बहुत बढ़िया सिनेरियो है, बहुत बढ़िया चल रहा है। वोटिंग बहुत थोड़ी कम हुई है, मगर ये 23 तारीख को पता लग जाएगा जब इनकी जमानतें जब्त होगी। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत अच्छे रुझान है आम आदमी पार्टी के प्रति जनता के। ठीक है जी, जो तानाशाही है यहाँ की जनता को भी अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। किसके पक्ष में रहेगा इतना भारी मतदान? इतना भारी मतदान तो भाजपा के पक्ष में, भाजपा पक्ष में रहेगा। आपको लगता है कि भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा? निश्चित रूप से जीतेगा। कितने वोटों से? पानीपत से बताऊंगे उनको। आप पानीपत का ही बताइए। पानीपत से तो मेयर ये जोश का कारण, एक तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो पिछले कार्य करते आ रहे हैं, और जो सर्जिकल स्ट्राइक और जो देश हित की भावना, आज हमारे नए वोटर जो पाँच करोड़ नए वोटर जो देश भावना मोदी जी में देख रहे हैं, वो किसी और नेता में नहीं देख रहे। हमारे उम्मीदवार है जी कृष्ण कुमार अग्रवाल। क्या पोजीशन है? पोजीशन 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं जी। तो आपका कितने पर्ची तो बनवाने नहीं आ रहे? पर्ची जी सरकार द्वारा भेज दी गई थी घर पे। और जब एक चीज पहुंची गई है, हम खाम खाए परेशान हो गए। हम तो अपील कर रहे हैं झाड़ू का। पड़ोस में तो काफी भीड़ लग रही है। भीड़ तो जी वहाँ कुल्फी राज है उनका, उनका राज है। अब हम एक आम आदमी है, वो पैसे वाली धनी सेटों की पार्टी है बीजेपी। हम तो गरीब आदमी है, ये झाड़ू हमारा किसान है। झाड़ू बगैर हर घर में झाड़ू की जरूरत है। अगर जनता आप भी नहीं समझेगी फिर तो आप चप्पल वाले हैं, झाड़ू वाले हैं? हमारा गठबंधन है जी, 3 सीटों पे हम है और 7 सीटों पे चप्पल चल रही है। दे चप्पल दे झाड़ू, पूरा हरियाणा में दे चप्पल दे झाड़ू एक ही नारा चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। दे चप्पल दे झाड़ू। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।